वहीं रामनवमी के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। इस लेटर में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया है। पीएम ने लिखा कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। पीएम ने आगे लिखा कि एक टीम के रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह लेटर भाजपा द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक पीएम का संदेश पहुंचाने की कवायद का हिस्सा है। लेटर के आखिर में प्रधानमंत्री ने वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि जनता गर्मी बढ़ने से पहले सुबह जल्दी वोट डाले। भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैं आपसे प्रत्येक मतदाता को अपना आश्वासन देने का आग्रह करता हूं कि मेरे समय का हर पल मेरे साथी नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। पीएम ने लिखा, मैं आपको चुनाव में आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। यह मोदी की गारंटी है कि हम 2047 के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। वही 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी।